स्वागत है और आज हम बनाने वाले हैं अग्रवालों की रसोई में मंचूरियन और फ्राइड राइस, वो भी बहुत सारी वेजीज का इस्तेमाल करके। अब हमारे बच्चे सब्जियां तो खाते नहीं है, तो मम्मियों को थोड़ा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा और उन्हें सब्जियों को छुपा छुपा कर खिलाना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मंचूरियन और फ्राइड राइस दोनों बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फ्राइड राइस के लिए इन चावलों को भिगो दिया है। और ये जो चावल है ये बिरयानी वाले चावल है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी फ्राइड राइस बनाएं तो बिरयानी वाले चावलों का इस्तेमाल करें। अब मैं इनको कुक कर लेती हूँ, लेकिन मैं इनको कुकर में डालकर ऐसे ही कुक करूंगी, इसीलिए। तो देखिए, ये जो फ्राइड राइस के लिए चावल है इन्हें हम कुकर में डाल देते हैं और इसके अंदर हम कोई ऑयल नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। आप चाहें तो इसे आप एक भगोनी में भी कुक कर सकती हैं, जिस तरह से दाल चावल के लिए चावल आप कुक करते हैं, आपको फ्राइड राइस के लिए भी चावलों को उसी तरह कुक करना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी अच्छे से लेनी होगी ताकि जो आपके चावल हैं वो चिपक ना जाए। तो ये मैंने कुकर में चावल डाल दिए, अब गैस ऑन कर दिए। अब जब तक हमारे चावल जो है वो कुक होंगे, तब तक हम मंचूरियन के लिए तैयारी कर लेते हैं। मंचूरियन में हमें चाहिए बहुत सारी सब्जियां, कुछ लोग चाहें तो गोभी का भी मंचूरियन बना सकते हैं, लेकिन मुझे मंचूरियन में बहुत सारी सब्जियां डालना पसंद है। तो देखिए मैंने कितनी सारी सब्जियां काट कर रखी हुई हैं, और ये है गोभी। इस गोभी में हम थोड़ा सा नमक डालकर इसको साइड रख देंगे ताकि इस गोभी का जो पानी है वो पूरे तरीके से निकल जाए। देखिए मैं इसको साइड रख देती हूँ। इसी के साथ मैं इसमें और भी बहुत सारी वेजीज इंक्लूड करूंगी, जैसे कि मैंने ये गाजर को ग्रेट करके रखा है, ये गाजर इसमें डाल देती हूँ। इसके अलावा ये शिमला मिर्च जो है ये मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी, इस शिमला मिर्च को भी मैं इसके अंदर पूरे तरीके से डाल दूंगी। ये रेड कैप्सिकम है और ये है हमारी फ्रेश फ्रेंच बीन्स। आप चाहें तो इसमें कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूं। बस अब आपको इसको मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए साइड में रख देना है ढककर, ताकि जो आपकी मंचूरियन की जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ दें और आपकी मंचूरियन बॉल्स अच्छे से बन सके। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और अब हम इसमें से पानी को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा पानी जो है वो निकल रहा है, तो जल्दी जल्दी पानी को निकाल कर हम अपनी सब्जियों को बॉल्स बनाने के लिए रेडी कर लेते हैं। ये देखिए अब इसमें से पानी निकल चुका है और आप देख सकते हैं कि जो सब्जियां हैं वो पूरे तरीके से ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें कुछ और चीजें एडिट करेंगे ताकि हम अपनी बॉल्स को बना सके, लेकिन उससे पहले हम कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे, ताकि जितनी देर में हम बॉल्स तैयार करें उतनी देर में हमारा जो तेल है वो गर्म हो सके। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो मूंगफली के तेल में, कोकोनट ऑयल में, सरसों के तेल में, जैसा भी आपको पसंद हो आप वो तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, लेकिन ध्यान रखिए हमने नमक पहले ही डाला हुआ था, तो आप बहुत थोड़े नमक का इस्तेमाल करें ताकि आपकी मंचूरियन बॉल्स में जो नमक है वो ज्यादा ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, आप अपने तीखे के हिसाब से ब्लैक पेपर की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैंने यहाँ पर फिलहाल 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में हम जरूरत के हिसाब से इस क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है मंचूरियन के लिए वो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें अ लिटिल बिट ऑफ सोया सॉस। सोया सॉस से जो मंचूरियन की बॉल्स में टेस्ट आएगा वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। साथ ही मैं इसमें 1/2 चम्मच विनेगर ऐड करूंगी क्योंकि ज्यादा विनेगर ऐड करने से आपकी मंचूरियन बॉल्स का जो मिक्सचर है वो ज्यादा गीला हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अभी ड्राई मिक्सचर है ये, इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे और इसी से हम मंचूरियन की बॉल्स बनाएंगे। आप चाहें तो बॉल्स का साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसे बॉल्स प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने इस साइज की बॉल्स बना रही हूं। एक एक करके आप सारी बॉल्स को बना लीजिए। देखिए मैंने सारी बॉल्स जो है वो बनाकर रख ली है। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। आप बॉल्स का साइज अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो बड़ी या छोटी बॉल्स भी बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया हमारा, अब मैं इसमें बॉल्स डालूंगी। एक और जरूरी बात फ्रेंड्स कि आप चाहें तो अपने बॉल्स का जो मिक्सचर बनाया था उसमें थोड़ा सा खाना सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी बॉल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगी और बिल्कुल मंचूरियन की ग्रेवी में जाते ही घुल जाएंगे और आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो वन बाय वन हम अपनी सारी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। आपको इन्हें बहुत ज्यादा देर तक कढ़ाई में नहीं रखना है क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत कम क्वांटिटी में मैदा और कॉर्नफ्लावर डाला था। अगर आप ज्यादा देर तक रखेंगे तो इसमें सब्जियों के जलने का टेस्ट आने लग जाएगा। तो बस इनको थोड़ी देर तक कुक होने तक हमें पकाना है। इसी बीच में एक और चीज देखिए कि हमारे जो कुकर है इसमें 1 सीटी आ चुकी है। 1 सीटी के बाद हमने इस कुकर को बंद कर दिया। अब इसकी जो गैस है उसको हम अपने आप रिलीज होने देंगे और उसके बाद हमारे जो चावल है मतलब जो हमारे फ्राइड राइस के लिए हमने जो चावल निकाले हैं वो हमारे ऑलमोस्ट पक चुके होंगे। ये देखिए हमारा जो मंचूरियन बॉल्स है वो ऑलमोस्ट बस सिकर तैयार है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है और साफ दिखाई दे रहा है कि हमने इसमें कितनी सारी वेजीज का इस्तेमाल किया है। बस 2 मिनट तक और पकाने के बाद ये हमारी जो बॉल्स है वो अब कुक हो गई है। अब मैंने तेल में से निकाल लेंगे। गैस ऑफ कीजिए और देखिए जो हमारी बॉल्स है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए मंचूरियन बॉल्स जो है वो बन गई है। अब बारी आती है हमें मंचूरियन की ग्रेवी बनाने की। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे।
ये मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है, अब पानी आती है इसमें। तब तक जरा अपने चावलों को देख लेते हैं कि हमारे फ्राइड राइस कहाँ तक पहुंचे। देखिए हमारे जो फ्राइड राइस है वो कुक हो गए हैं, लेकिन पूरे तरीके से ये घुले नहीं गए। और अब हम इन्हें एक चम्मी में छान लेंगे और साथ ही इन्हें ठंडे पानी से धोएंगे। ठीक है, कढ़ाई में तेल गरम कर दिया, वहीं दूसरी साइड हमने अपने चावलों को ठंडे पानी से धो लिया है, ताकि फ्राइड राइस बनाते समय आपके जो चावल हैं वो चिपके ना, क्योंकि बिरयानी वाले जो चावल होते हैं उनमें काफी हद तक लेस होता है। तो सबसे पहले हम इसमें फिर से शुरू करेंगे बहुत सारी वेजीज के साथ। मैंने यहाँ पर डाली है कैप्सिकम, थोड़ी सी रेड वाली कैप्सिकम, साथ ही थोड़ी सी इसमें फ्रेंच बीन्स ऐड करेंगे। अब आ रही है ग्रेट की हुई गाजर की, आप इसमें चाहें तो कैबेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए सारी सब्जियों को सॉल्व करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी सोया सॉस की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप चाहें तो क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल यहाँ 4 चम्मच सोया सॉस डाला है। अब डालेंगे इसमें विनेगर। मैंने 4 चम्मच ही इसमें विनेगर डाला है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। अब बारी आती है इसके अंदर पानी ऐड करने की। आपको जितना मंचूरियन की ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल दीजिए। इसमें मैं एक और ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए अभी से इसमें कितना प्यारा सा कलर आया है। अब आ रही आती है इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करने की। मसाले में मैं नमक ऐड करूंगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, आप चाहे लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ, और लाल मिर्च तीखा फ्लेवर ले आती है इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी। इसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड करूंगी। अब आप इसे चलाएं। अब चलिए इसके अंदर एक बहुत सीक्रेट चीज डालते हैं जो मैंने घर पर बनाया है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटो सॉस। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो टमाटो सॉस है ये भी मैंने घर पर बनाई है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी पोस्ट कर दूंगी। इसके साथ इसमें डालेंगे हम रेड चिली सॉस, और ये चिली सॉस भी मैंने अपने घर पर बनाई हुई है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप अगर और ज्यादा ऐसी ही सॉसेस के बारे में रेसिपी जानना चाहते हैं, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव्स और बिना हार्मफुल केमिकल्स के, तो वो भी मैं अपने चैनल पर जरूर पोस्ट करूंगी। अब ये हो चुका है, अब आती है इसमें स्लरी बनाने की। स्लरी बनाएंगे हम कॉर्नफ्लावर की, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी बना लेते हैं। देखिए कॉर्नफ्लावर की जो स्लरी है ये बन गई है। अब हम इसमें इस स्लरी को ऐड करेंगे, लेकिन स्लरी ऐड करने से पहले एक रूल जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे ही आपका जो मंचूरियन की जो ग्रेवी है ये उबाल आने लग जाती है, उसके बाद आपको स्लरी ऐड करनी है, और ये स्लरी ऐड करते करते आपको साथ में से चलाना भी है ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए, क्योंकि अरारोट जो होता है इससे लम्स पड़ने का बहुत जल्दी डर रहता है। ये देखिए ये ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो रही है थोड़ी थोड़ी। अगर आपको इसमें कॉर्नफ्लावर की थोड़ी कमी लगती है तो आप थोड़ी सी स्लरी बनाकर और ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए ये हमारी ग्रेवी है, इसका टेक्सचर कितना प्यारा है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कमी है और वो है इसके कलर की। अब क्योंकि हमारी जो सोया सॉस थी वो डार्क सोया सॉस नहीं थी, इसीलिए इसमें मैं थोड़ी सी सोया सॉस और ऐड करूंगी। मैंने 2 चम्मच सोया सॉस इसमें और ऐड की है। अब देखिए जरा, आप इसके अंदर चाहें तो अपनी मनपसंद और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो कैबेज ऐड कर सकते हैं और अलग अलग तरह की कैप्सिकम्स ऐड कर सकते हैं, कैरेट, अदरक, हरी मिर्च, जो कुछ आप चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। और देखिए जो हमारी स्लरी है, अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा जो कलर है वो आ चुका है और हमारी मंचूरियन की ग्रेवी अब बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें आप ढक्कन रख दीजिए और जब भी हम मंचूरियन को सर्व करेंगे उससे 5 मिनट पहले आप इसमें ग्रेवी को डाल सकते हैं। ये मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब हम बनाएंगे। चलिए अब फ्राइड राइस भी बना लेते हैं। मैंने अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, हम फिर से वही प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। बहुत सारी सब्जियां डालकर आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। तो सबसे पहले हम डालने वाले हैं इसमें रेड और ग्रीन कैप्सिकम। जब भी बच्चों को सब्जियां खिलाने की बात आती है तो मंचूरियन एक बेस्ट रेसिपी हो सकती है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी सब्जियों को ऐड करके बच्चों को खिला सकते हैं और बच्चे बड़े शौक से खा भी लेंगे। और ये बहुत टेस्टी भी बनेगा। तो बहुत सारी सब्जियां ऐड करने के बाद 2-3 मिनट तक आपको इन सब्जियों को हल्का सा चलाना है ताकि ये सब्जियां थोड़ी गल जाएं। साथ में इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं जो सब्जियों के गलने में उनकी मदद करेगा। साथ में अपने चावल ले लेते हैं। ये देखिए देखिए एक तरफ हमारी जो सब्जियां हैं ये ऑलमोस्ट पकने वाली हैं और दूसरी तरफ हमने चावलों को ले लिया है। देखिए फ्राइड राइस के लिए जो सब्जियां हैं ये हो गई हैं और चावल भी हमारा बिल्कुल खिला खिला बना हुआ है। अब हम इसमें चावल को ऐड कर देते हैं। सबको मिक्स करना है। अब नमक हम इसमें पहले ही ऐड कर चुके थे, इसीलिए अब हम इसमें नमक को टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे हम, थोड़ी सी काली मिर्च, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सोया सॉस। मंचूरियन के साथ जब फ्राइड राइस बनाए जाते हैं तो उसके अंदर सोया सॉस डालना कंपलसरी होता है ताकि आपको मंचूरियन वाला फ्लेवर आए। इसमें सोया सॉस डाल दिया हमने, अब इसमें थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करेंगे। 2 चम्मच विनेगर डाला है बस। ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो फ्राइड राइस हैं उनका कलर कितना प्यारा है। और अगर आप इस तरीके से मंचूरियन और फ्राइड राइस कहीं अपने घर में बनाएंगे तो आपके बच्चे बाहर का मंचूरियन और फ्राइड राइस खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। साथ ही आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि मैंने जो फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाए हैं इसमें किसी भी तरीके से प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। नॉर्मली हमारे यहाँ अधरवालों की जो रसोईयां होती हैं और जैन परिवार होते हैं उनके यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं खाया जाता और
लोगों को लगता है कि मंचूरियन और फ्राइड राइस बिना लहसुन और बिना प्याज के बन ही नहीं सकता। तो अगर आप इस तरीके से लहसुन और प्याज के बिना मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाएंगे तो हर कोई ये डिश ट्राई कर पाएगा। अब बस हमारे फ्राइड राइस तैयार है और हम अपनी मंचूरियन बॉल्स को मंचूरियन की ग्रेवी में डाल देते हैं। चलिए हमारे फ्राइड राइस और मंचूरियन दोनों तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इसकी प्लेटिंग की। इसकी प्लेटिंग की तो देखिए ये फ्राइड राइस विद मंचूरियन और हमारे फ्राइड राइस विद मंचूरियन बनकर तैयार है। आप खाइए, इंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इसे बनाकर, तो आप भी अपनी फैमिली के साथ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर उनके पेट को नहीं मन को खुश करिएगा। थैंक यू।